गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। करते हैं अपन, लेट्स स्टार्ट। अब जो हम निकालने वाले हैं ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस का रेंज निकालेंगे जो एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दिया होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा + b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इनका रेंज निकालना है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस इज रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है, tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल है, तो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए होते हैं तो उस केसेस में हम रेंज कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। प्लस 2ab माइनस 2ab कर सकते हैं। a स्क्वायर tan स्क्वायर + b स्क्वायर cot स्क्वायर में माइनस 2ab + 2ab कर दिया, क्यों प्लस अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उस केसेस में क्या हो जाएगा, a tan थीटा + b cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस b / a के बराबर होगा, इसीलिए हम ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो y मिनिमम 2ab आ गया आपके पास, तो यहाँ से y, अब y मैक्सिमम कैसे निकालोगे, अच्छा y मिनिमम फिजिबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप a tan थीटा माइनस b cot थीटा जीरो के बराबर हो जाए, tan स्क्वायर थीटा b / a हो जाए, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b / a, व्हिच इज फिजिबल, ये फिजिबल है, यस। तो मिनिमम वैल्यू 2ab आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। कैसे भाई, tan थीटा इन्फिनिट हो सकता है, उस टाइम पे जीरो होता तो आंसर इन्फिनिटी आ गया ना। मतलब ये फिर बाद में कैसे इन्फिनिटी आया, अरे थीटा इक्वल टू पाई बाय टू डाल दो ना आप, अच्छा इन्फिनिटी आएगा, वो जीरो आएगा, तो इन्फिनिट इनटू एनीथिंग इज इन्फिनिट नो। तो रेंज क्या आ गया, लिख लो 2ab टू इन्फिनिटी, लिख डालो सर। पर ये हम लीनियर मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये करने से सीधा ही 2ab से इन्फिनिटी। हाँ सर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते, लिख सकते 2ab से इन्फिनिटी लिख सकते। वहाँ पे a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर जीरो कैसे आया बेटा, जब जीरो आएगा उस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना बेटा, परफेक्ट स्क्वायर की कम से कम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। हाँ ना, फिर कोई ऐसा केस हो जिसमें जीरो पॉसिबल ना हो तो फिर क्या करेंगे, क्या पॉसिबल ना हो सर। हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो पॉसिबल ना हो तो तुम कॉन्सेप्ट समझे नहीं, कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे वो जीरो के बराबर हो सके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भी स्क्वायर में अगर दिया है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर को ही आगे सॉल्व करना है सर, जब ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो कभी आए ही ना, ये वाला अंदर को वो हुआ ना, हमने तो वो रिजेक्ट कर दिया ना, परफेक्ट स्क्वायर कभी जीरो नहीं आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस डी बाई फोर होता है ना, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, वो हमें अपने आप से करना होगा। हाँ स्क्वायर, अरे ज्यादा टेंशन मत लो, जितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं बैठा हूँ ना, आज मेरा आखिरी दिन नहीं है, नाम देर घबराने की कोई बात नहीं, कभी अगर ऐसे घबराहट होने लग जाए तो आप छोटा सा फोटो खींच के डाल दें, है ना, पर्सनल में डाल दें मुझे, ठीक है सर। यस, अगर मैंने पाई बाई टू डाला तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है ना, इन्फिनिट आ जाएगा ना वैल्यू का एक्सप्रेशन। भाई कोई यहाँ तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लो अपने आप को, या तो हमारे घर खाना भिजवा दो, ठीक है ना, सबके घर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, आ जाओ। रेंज ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। और अभी जो हम ये रेंज निकाल रहे हैं, कुछ मेथड्स अभी बताइए, बाकी सब मेथड्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। थीटा और एक्स दोनों एक में ही कन्वर्ट कर लो भैया, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो दोनों थीटा में कर लो या तो दोनों एक्स में कर लो, 4 cosec स्क्वायर थीटा एंड 9 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका रेंज क्या जाएगा, 72 से इंफिनिटी, 6 से इंफिनिटी। सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर एक मिनट, सब उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो यार, ये क्या लिखा है सर, एक मिनट, 2 cosec से सर 36 से इंफिनिटी। अच्छा हाँ, क्या लिखा है, अबे नहीं होगा ऐसा कुछ भी, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, चलें अब आगे। 2 into 4, 3 into 2 ही आया, बिल्कुल सही है।
समझ ही लेना कि जो नेगेटिव है उसके साथ ही क्लब करना होगा। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव कभी स्क्वायर के साथ जीरो नहीं होगा। सर तो पता कैसे चला 12 इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव? क्या 12 इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव ही। देखो कैसे पता चला, देखो सिद्धार्थ अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका रीजन है आपके पास। देखो 2 कोसिक थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार रुक गया, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या है, 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 2/3, ठीक है ना। तो साइन थीटा कभी ना कभी वो वैल्यू एज्यूम करेगा जिसके लिए मिनिमम वैल्यू 12 मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। सर ये वापस बताओ कैसे, मतलब 12 इंक्लूसिव? बेटा आप वैल्यू निकालो कि आंसर कब मुझे 12 मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर को जीरो करो, परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब हो रहा है? सर एक मिनट रिपीट कर दो आपने क्या बोला। अरे मैं बोल रहा हूँ ये जो आपके पास 2 कोसिक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 12 और प्लस 12 है, तो ये क्या बन रहा है, 2 कोसिक थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो ये वाली क्वांटिटी जीरो कब होगी, तभी मिनिमम आएगा ना जब ये जीरो होगी। ये जीरो हो जाए तो 12 आ जाएगी, तो आपका रेंज 12 टू इन्फिनिटी आ जाएगा ना उस केसेस में। तो 12 कब आएगी, जब ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो कब होगा, जब 2 कोसेक थीटा 3 साइन थीटा के बराबर हो, है ना आदम? यस 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 यस। अगर क्वेश्चन में 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होता तो फिर जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो फिर तब क्या करते हैं, क्या करेंगे तब क्या करेंगे, तो ये मेथड भूल जाएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कोई दूसरी मेथड लगाएंगे तब। यस, ठीक है ना। अब देखो तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 हो गया। क्या हो गया, साइन थीटा इज प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। तो क्या कभी ये वैल्यू ले सकता है साइन थीटा? यस ले सकता है। तब ये जीरो हो जाएगा, तब ये 12 आ जाएगा। यस, ठीक है, सही है। यस ना? अब हमारे हसन ने क्वेश्चन पूछा, तो उसके क्वेश्चन का भी आंसर देना बिल्कुल अनिवार्य है। सर उसका मतलब क्या था, जीरो होगा तब माइनस रूट 2/√3। भाई मान लो ऐसा लिखा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका रेंज बताना, मान लो इसका रेंज बताना, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, वही मेथड अगर फॉलो करेंगे तो क्या जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कोसिक ऑफ थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा। तो अब आप तो बोल दोगे कि सर ये डायरेक्टली 12 टू इन्फिनिटी आ जाना चाहिए रेंज, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या होगा देखो, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कोसिक थीटा, तो उस केसेस में यहाँ पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 3/2। क्या ये कभी हो सकता है? नो। क्या कभी ये हो सकता है? नो। तो क्या कभी, बहुत ध्यान से समझना, क्या कभी ये होगा, तो फिर हम ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, देन वी विल थिंक समथिंग एल्स। क्या सोचेंगे वही देखेंगे, चलो ठीक है ना, समथिंग एल्स। लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला था ना, जब जीरो होगा तब साइन थीटा के वैल्यू माइनस रूट 2/√3 आएगी, उसका मतलब क्या है? मतलब हो सकता है ना भैया, जीरो हो सकता है, मतलब हमने ये कंडीशन को सॉल्व किया, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिक थीटा, तो हाँ ये किसी थीटा के लिए हो सकता है। अच्छा। यस, तो इसीलिए ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो कम से कम वैल्यू 12 मिल जाएगी। इधर 12 वैल्यू कम से कम नहीं मिलेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो मतलब उधर क्यों 2/3/2 के इक्वल नहीं हो सकता साइन स्क्वायर थीटा? कैसे होगा बेटा, साइन थीटा 3/2 कैसे हो सकता है, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। ओके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को मान लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, 4 कोसिक था तो 4 साइन स्क्वायर करते थे, फाइंड रेंज ऑफ, ये वैसे 12th में तो हम पढ़ेंगे लेकिन अभी भी देख लेते हैं एक बार, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर इसमें साइन स्क्वायर को टी ले ले,
साइन स्क्वायर को? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सही सोच रहे हो तुम सिद्धार्थ। देखो क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन थिंक इज, लेट से हम बोलते हैं साइन थीटा को मैंने एक्स ले लिया, अब मुझे निकालना क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। रेंज क्या है फंक्शन का? 4x² + 9/x², इसका मुझे रेंज निकालना है, ठीक है? सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये लिखा हुआ है 2x - 3/x² + 12, सही है? Yes. Yes. अब मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 से -1 के बीच में। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करके इसको सिंपलीफाई इस तरीके से करना है कि ये -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले रहा है। Is it clear? Yes. अब एक चीज ध्यान से समझना, जो हम ये ग्राफ बनाते थे, ठीक है, जब हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो x फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल जब होता है, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऐसे की अगर मैं बात करूं, समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट x² + 1/x², तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है सर, वो नाइकी जैसा ऐसा बनता है ना, टिक तरह टिक, ठीक है, टिक। x² + 1/x² का ग्राफ ये बनता है, लेकिन अब ये ग्राफ, एक सेकंड, ये ग्राफ इसमें एक और चीज है, ऊपर जाएगा, टिक, ऐसा ऐसा बनता है ना, हां यस, x² + 1/x का ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला आपका ग्राफ बनता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे ये चीज हो रही है कि ये वाला जो ग्राफ है मेरे पास, वो ग्राफ x² + 9/x² तो ठीक है, ऐसा ही कुछ नेचर बनेगा ग्राफ का, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ऐसा ही नेचर बनेगा। लेकिन ये जो रेंज के लिए इफेक्टेबल होता है, जो इफेक्टिव होता है, वो कब होता है? जब हमारे पास x की वैल्यू बिना किसी प्रॉब्लम के हम डालते हैं अंदर। लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लमेटिक है? -1 से 1 तक ही जाता है सर। अच्छा हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो इसमें हमें करनी है वो क्या करनी है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 4x² + 9/x² का हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, हम क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे, और x की वैल्यू कहां से कहां तक ले लेंगे, -1 से 1। समझो जैसे वे निकाल रहे थे वहां पे, वैसे यहाँ पे निकाला 12 आ गया। लेकिन ये हमको क्वेश्चन में हमने x sin थीटा को लिया है, लेकिन क्वेश्चन को जो ये 4x² + 9/x² है, इसको थोड़ी पता है कि आपने x को sin थीटा लेके ये ग्राफ बनाया, आपने तो ग्राफ बना दिया है ना। अब हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देखो ये 12 जो वैल्यू आई थी, ये 12 वैल्यू कब आई थी, जब कुछ, जब आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो ना भाई, 9x² पे आई थी, तो एक्स की 9/x², मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स की पावर 4 मान लेते हैं 9/4 था, x² मेरा 3/2 था, x का वैल्यू +-√3/2 था, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू थी ये +-3/√2 पे आ रही थी, √3/2 पे आ रही थी। जब पहले वाले ग्राफ में आप बनाओगे ना, ये वाले ग्राफ में, तो यही ग्राफ बनेगा, ये भी सेम, लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी ये प्लस माइनस, तो ये +√2/3 पे आ रही थी, अभी अपन ने निकाला था ना 2/3। सर बहुत ही नैरो ग्राफ है, तो वो 12 क्यों आ रहा है, नहीं समझ आया। अरे 12 तुमने अभी तो निकाला है, अरे सर पर वो तो तब हम अलग स्क्वायर करके जब रेंज निकालने वाले थे तब निकली थी ना वो, तो सर एकदम नैरो ग्राफ बन रहा है। हाँ जब हमने स्क्वायर करके निकाले था बेटा, तो एक चीज ये समझो, 4x² + 9/x² जो आप बना हुआ है उसको पता नहीं है कि आपने x को sin थीटा लेके बनाया है, ये तो अलजेब्रा का हमने ग्राफ बना दिया है। अब हमको क्या पता है कि x मैंने sin थीटा को लिया है, तो sin थीटा जो है मेरा वो -1 से 1 होता है, तो √3/2 जो है which is around about 1.5 है ना, अगर √3/2 की मैं बात करता हूँ तो भैया 1 बड़ा है, देखो ये 1 एक वैल्यू है और एक √3/2 है, तो भाई √3/2 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है,
तो वन कहीं नहीं सर होगा सर, मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो जब निकाला था ना 2x - 3x का होल स्क्वायर प्लस 12 और वहां से 12 आया था। हाँ, एलजेब्रा के थ्रू हमने वहीं से 12 बताया कि मिनिमम वैल्यू इसका 12 है। अच्छा हाँ हाँ यस। अब ये तो हमने x को sin थीटा लिया तब हमने वेरीफाई करके बताया कि भाई मिनिमम वैल्यू 12 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि sin थीटा की वैल्यू वो कभी ऑब्टेन नहीं हो सकती। तो आपकी sin थीटा की वैल्यू -1 से 1 है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ग्राफ में आपको कहाँ कहाँ चलना है। देखो मैं यहाँ से तो आपको चल के दिखा रहा हूँ, -1 से 1 अगर आप चले हो, -1 से 1 ये वाला ग्राफ पूरा का पूरा आपने कवर करा है और ये वाला पार्ट आपने कवर करा है। तो सिर्फ इतना कवर हुआ है ग्राफ, ठीक है। या थोड़ा सा अगर मैं इसको शेड ऐसे करके दिखा दूं आपको रेक्टेंगुलर पार्ट, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट इन विच द ग्राफ इज बीन कवर्ड। बाकी में तो ग्राफ ही नहीं है, साइन थीटा -1 से 1 ही होता है। जो ये हमने पूरा ग्राफ बना दिया है तो पूरा एलजेब्रा वाला ग्राफ बना दिया है, बट हमने जो x है साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा -1 से 1 होता है, तो 1 पे इसकी जो वैल्यू होगी वही आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना, -1 से 25 ग्राफ देखो गिरता जा रहा है। ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो तो गिर रहा है ना ग्राफ। हाँ सर, यस ग्राफ गिर रहा है। तो कम से कम वैल्यू इसकी कहाँ पे? 1 पे। तो 1 पे कम से कम ग्राफ है, तो मैक्स इसकी रेंज क्या होगी? 13 to infinity, ठीक है ना? यस हाँ सर, ठीक है। अगर ज्यादा इसको समझ नहीं आया ये वाला, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसको। हम लोग सर 12th में फंक्शंस पढ़ेंगे तब इन सब पर। इसे अगर 12 से ही इक्वेट करेंगे तो फिर तो कभी मतलब होगा ही नहीं ना x की कोई वैल्यू ऐसी। नहीं होगी ना बेटा, x की कोई वैल्यू नहीं होगी। नहीं सर, ये अलजेब्रिक इक्वेशन को करेंगे तो आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? आएगी ना, आई ना, ये अलजेब्रा से निकाला ना मैंने। तुम्हारा कहां ध्यान है, ये अलजेब्रा से निकाल के 3/2। हां अच्छा सर, मतलब वो दो में कंफ्यूज हो गए है, सेम ही दोनों? दोनों अलग हैं, दोनों बहुत अलग हैं। ये जो वैल्यू है ये √2/3 है, √2/3 1 से छोटा होता है। तो इसमें अगर आपने x को sin थीटा लिया था ना बेटा, x को sin थीटा लिया था, तो -1 से 1 कहीं यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में आ रहा है, दिख रहा है? -1 से 1 इसके बाहर है। yes. इसके लिए आपकी जो रेंज थी वो 12 वाली चल गई, समझ गए आप? ये ग्राफ है तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो यही है ना। इसीलिए आपकी जो रेंज आपने इस केस में चल गई, तो चली, ठीक है? तो चेक कहाँ से होता है कि मिनिमम वैल्यू होने के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर 0 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर कभी 0 हो सकता है क्या, ठीक है? यस ठीक है। हसन खुश हो गए तुम? तुम्हारे लिए किया है सर? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ना। चलो चले अब आगे। Yes. चलो इसके बाद अब एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take this problem. Find the range of y is equal to sin 3x upon sin x. सर किसी का माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सब अपने आप को म्यूट कर दो, सबके सब काट दिया, उसमें कोई हो सकता है मिस्टेक। देखो सबसे पहले तो डोमेन चेक करेंगे, फंक्शन का डोमेन क्या होगा? r-0 n पाई, जहाँ जहाँ पे 0 होगा पाई टू पाई, मतलब ठीक है ना। तो अब ये क्या लिखा जा सकता है? 3 sin x -4 sin cube x अपॉन साइन एक्स, अपॉन साइन एक्स हो जाएगा 3 - 4 sin² x, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 ठीक है ना। अब 0 पे ओपन लगाना पड़ेगा, क्यों ओपन लगाना पड़ेगा? अच्छा हाँ, क्यों ओपन लगाना पड़ेगा? क्योंकि साइन एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, तो 4 sin² x क्या हो जाएगा? ओपन से ओपन 0 से 4, तो -4 sin² x क्या हो जाएगा? -4 से 0 ओपन, 3 ऐड कर दिया तो -1 से 3 ओपन इज योर आंसर। नोट करने इसको, ठीक है ना। साइन एक्स 0 नहीं हो सकता बेटा, डोमेन में नहीं हो, ठीक है ना।
माइनस फोर साइन क्यूब एक्स का सा है ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन थ्री एक्स का दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन थ्री एक्स साइन 34 नंबर की बस में आता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स सर वो लिख के नहीं किया ने मतलब पूरा ऐसे साइन थीटा क्या है इसलिए नहीं आया ठीक है ना ध्यान रखना ये मिस्टेक मत करना इसीलिए मैंने बोला था ना थोड़ा सा हो सकते हैं इससे चले आगे सर रुक जाओ एक मिनट कर लो कंप्लीट कर लो let's take this question range of this 1 plus cos 2x plus 8 sin square x by sin 2x aaj ki class mein hum log trigo ko conclude kar rahe hain theek hai na to sahi mein and onwards sahi mein matlab jhoot hai isse zyada kya padhaun main aapko thoda bahut ek aur formula hai bata deta hu abhi baaki chapter to pura padha diya theek hai na next time shuru karenge trigonometric equations हाँ मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो भी बाकी है फेज वन कंप्लीट हुआ है तब कितना है इक्वेशन तो दो क्लास में खत्म कर देंगे सर तो हम भी तो इक्वेशन ही कर रहे हैं ना मतलब इक्वेट ठीक है लेट्स टेक दिस टॉपिक नाउ समेशन ऑफ सीरीज ठीक है सबको क्लियर है लास्ट वाला क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ 10x और अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा 2 रूट 10x प्लस कॉटेक्स होल स्क्वायर तो वहां से पता चला कि रूट ऑफ 10x 2 टाइम्स इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉटेक्स हो सकता है मतलब 10x का वैल्यू हाफ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है वहां से पता चल गया रेंज आ गया 4 टू इंफिनिटी ठीक है अब देखो ये समेशन ऑफ सीरीज की बात करते हैं समेशन ऑफ सीरीज क्या बोलते हैं भाई साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा से लेके साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अगर इसको हम ऑब्जर्व करें ध्यान से समझें तो ये साइन में ऐसी सीरीज है जिसके आर्ग्यूमेंट्स एपी में है अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा एंड इट गोज ऑन ठीक है ना एंगल्स आर इन एपी ठीक है फर्स्ट टर्म अल्फा है कॉमन डिफरेंस बीटा है तो ये सारे सीरीज का जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन होता है साइन ऑफ एन बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू मतलब यहाँ पे आता है टू अल्फा ठीक है ना तो ये फॉर्मूला लिख लो कैसे डिराइव करते हैं वो भी हम कर लेंगे इसके बाद ठीक है तो याद रखने का तरीका क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस अपॉन टू एंड साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस अपॉन टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू सर वो आपने ऊपर जो लिखा है साइन ऑफ एन बीटा वो एन नंबर ऑफ टर्म्स है हाँ अल्फा से शुरू हुआ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा तक गया तो देयर आर एन टर्म्स इन ऑल टोटल एन टर्म्स है क्या नहीं लिखा बेटा उसे शो पेंट मतलब लास्ट वाला यस चलो तो डिराइव कर लेते हैं इसको कर लेते हैं सर एक मिनट एक बार खुद से आप करके देखो सर इसके क्वेश्चन आते हैं ज्यादा हाँ बिल्कुल बहुत जगह यूज होता है तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक जगह यूज नहीं होता बेटा वो हर चैप्टर में आगे यूज होगा ओके सर ठीक है ना मान लो इसको डिफरेंशिएट करने को बोल दिया आपको
डिफरेंशिएट एक ही को करोगे क्या? इससे तो इसको एक एक्सप्रेशन बनाओगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, ठीक है ना? दैट वुड बी द इजीयर टास्क टू डू, ठीक है? या हर जगह यूज होता है सर। जो 12th में मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और फिजिक्स से अलग कैसे है, मतलब सेम ही अलग किस बेसिक पढ़ा है अभी तो? फिजिक्स में बेसिक ही पढ़ा है और बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए कि भाई इसका इंटीग्रेशन ये होता है। मैथ्स में हम सारा रिजल्ट निकालेंगे सब कुछ। मैथ्स एक बार कर लोगे तो फिर आपको काफी आसानी फील होगी, ठीक है? चलो अब देखो, लेट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक चीज हम करेंगे, क्या करेंगे पता है? साइन ऑफ बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। कर दो फटाफट फटाफट। तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा बाई टू, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई टू, सबके साथ साइन बीटा बाई टू आ गया। अब साइन साइन कब होगा? साइन कॉस डिफरेंस माइनस कॉस एडिशन। कर दो फटाफट फटाफट, सारे टर्म्स एक दूसरे से कट जाएंगे। अरे क्या करना है एक बार वापस? अरे सब साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सर भाई ये पता कैसे चला बीटा बाई टू से करना है साइन बीटा बाई टू? लास्ट टर्म रह जाएगा। साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना बेटा, उसके बाद चीजें सिंपलीफाई होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? ऐसा आप पता कैसे चला? तो भाई ये मेहनत है, एक्सपीरियंस, मेहनत, लगन, ठीक है? ओके सर, तुम्हें भी आ जाएगा बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट से, ठीक है ना? हमेशा फंडा याद रखो, जब साइन की चीजें लिखी हुई है तो हमेशा होता क्या है, जब डिफरेंस करते हैं बाई टू करते हैं, एडिशन करते हैं बाई टू करते हैं, तो जो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो एंगल्स का जो डिफरेंस है उसके बाई टू से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? जो दो साइन के आर्ग्यूमेंट्स है उनके एंगल के बीच का जो डिफरेंस है उसके बाई टू से हम डिवाइड कर रहे हैं। सर पर सब कॉस के फॉर्म में आ रहा है। अरे फिर प्लस माइनस कट जाएगा सिद्धू, कर तो नहीं सर, कॉमन आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू सब में। चलो नहीं कर लूंगा। नहीं सर रुको, लेट्स सी। चलो देखो क्या लिखा है, साइन अल्फा लिखा है, साइन अल्फा लिखा है। मैंने क्या बोला था आपको, साइन ऑफ बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप। साइन अल्फा साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया, वन अपॉन साइन बीटा बाई टू बाहर हो गया। एक टू भी और चाहिए होगा आपको, तो होगा क्या, टू साइन साइन कब होता है, कॉस ऑफ डिफरेंस। तो कॉस ऑफ डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सही है? नेक्स्ट दूसरे वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, टू साइन बीटा बाई टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हो ना? यस, कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू। अच्छा पहले कॉस का डिफरेंस आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू है ना? तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट अल्फा प्लस टू बीटा इंटू टू साइन बीटा बाई टू है। हाँ ये बन रहा है आपका। हाँ नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, दूसरा टर्म ले लो अल्फा प्लस टू बीटा, साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस टू बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा इंटू टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ बीटा बाई टू, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस प्लस थ्री बीटा बाई टू, अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, सॉरी ये प्लस है इधर ना, प्लस है सेकंड वाले का फर्स्ट टर्म, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, ठीक है?
दोनों का डिफरेंस फर्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नेक्स्ट अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, ठीक है ना, ऐसे चलती हुई जाएगी स्टोरी। तो क्या पता चला, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सेकंड गेट्स कैंसिल्ड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट, तो यहाँ का सेकंड फर्स्ट से कटेगा तो ये सेकंड वाला बचेगा लास्ट। सर और नीचे एट हो जाएगा ना, वन बाय एट, मतलब अभी जितना किया उसमें। क्यों बेटा, सब में टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, सबको टू मिलेगा ना एडिशन में तो। अच्छा हाँ एडिशन में, सॉरी, सबको टू टू मिला, सबको टू टू डिवाइड हो गया, तो एक ही टू से डिविजन हुआ ना नीचे। तो लास्ट एक्सप्रेशन जो बचा आपके पास सबके सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो ये बचा वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू, हाँ इसको टू साइन साइन, और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ लास्ट वाला टर्म क्या होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा एन माइनस वन क्यों होगा, प्लस टू एन माइनस वन बीटा बाई टू। अरे तुम तुम्हारे हिसाब से निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, क्या लग रहा है क्या आना चाहिए, एन क्यों नहीं होगा, एन सिर्फ एन, अरे ये तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तुम निकालो ना, खुद से निकालो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो करना है। तो टू साइन बीटा बाई टू आ जाएगा साइन ऑफ बीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, है ना। इसमें क्या नहीं होगा, क्या होगा वो तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा और यहाँ पे साइन बीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कॉस ऑफ डिफरेंस, तो अल्फा प्लस एन माइनस थ्री बाई टू बीटा आ जाएगा ना। अरे एक टर्म तो कट जाएगी ना, बिल्कुल फर्स्ट वाली तो कटनी है, सेकंड वाली फर्स्ट से कटेगी, माइनस कॉस ऑफ एन माइनस वन प्लस बीटा बाई टू, एन माइनस वन बाई टू बीटा बाई टू, या एन माइनस वन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, एन माइनस वन बाई टू बीटा, ठीक है ना। ये चीज लास्ट स्टेप क्या किए, लास्ट दो स्टेप, अबे इन दोनों का एलजेब्रा से सम निकाल लो। नहीं सर उसके पहले, इससे पहले, हाँ ये cos of alpha minus beta by 2 minus, फिर क्या लिखा है ये वाला बेटा, ये तो cos of difference of these angles होता है ना, difference of these angles, तो ये तो लिखा difference और sum of these angles, तू sin sin कब होता है, cos minus cos में होता है ना, तो cos में पहले difference आता है, सही है ना, cos of alpha minus beta by 2 sin beta by 2 भी होगा ना, और cos of n minus 1 होता है, क्या करोगे, cos माइनस cos का फॉर्मूला लगा दोगे, टू साइन साइन माइनस टू साइन साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, तो अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय होल ऑफ टू, ठीक है ना, और एक साइन में क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ दीज टू, ठीक है ना, एन बीटा बाई टू, ये क्या हो जाएगा एन बीटा बाई टू आ जाएगा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, हाफ हाफ से कट जाएगा, तो एन बचेगा और ये प्लस बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, अरे तुम खुद से कर लो यार, मेरा मत देखो, तुम तुम्हारे वहीं पे कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है ना, सही है, सबका आ गया, यस यस, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब कॉस का जब यही सीरीज होगा तो सब कुछ सेम कुछ प्रोसीजर करना है आपको, सिर्फ साइन करना है, लेकिन अब होगा क्या, जो रिजल्ट आपके पास आएगा इसको डायरेक्टली कैसे आ सकते हो, कॉस का सीरीज है तो जो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू वाला एक्सप्रेशन है वो कॉस का है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है सिर्फ यही चेंज होगा, इसमें कॉस आ जाएगा, ठीक है ना।
तो लिख दे आप, ठीक है ना, cos alpha, cos of alpha plus beta, cos of alpha plus 2 beta plus cos of alpha plus n minus 1 beta is sin n beta by 2 upon sin beta by 2 cos of 2 alpha plus n minus 1 beta by 2, ठीक है ना सर। इसमें वो वाला सर, इसमें sin of a plus b minus sin of a minus b लगाना है, बिल्कुल, मतलब डेरिवेशन में, बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, sin plus sin लगाना चाहो, sin minus sin लगाना चाहो, जो चाहो लगा सकते, ठीक है ना। सर वो तो कुछ भी करेगा, कंपेंसेट होने वाला है, ठीक है ना सर। पर वो प्लस में फिर वो एलिमिनेट नहीं होगा, प्लस में एलिमिनेट नहीं होगा। हां प्लस में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन बाहर आएगा, हां कुछ करना ही नहीं, याद रखना, ठीक है। हां अच्छा, हां तुम चाहकर भी माइनस को नहीं रोक पाओगे हसन, ठीक है ना। चलो अब चाय वाय मत पियो तुम क्लास में, ठीक है ना, ठीक है चलें आगे। यस यस सर, मैं नहीं पी रहा। अच्छा सब आ गया, थोड़ा लिख लो, लिख लो तो प्रोग्राम सर, एक मिनट रुको, लिख लो, चलो फटाफट फटाफट फॉर्मूला लिख डालो, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यस हो गया, चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है आपके पास, चले देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। 2 मिनट सर, 1 सेकंड, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। कॉस की सीरीज लिखी है आपकी स्क्रीन के सामने, तो साइन ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2, कैसे आइडेंटिफाई हुआ पहले तो देखो आप। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, पाई बाय 11, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 पाई बाय 11, सही है, पाई बाय 11 ये इतनी लिखी हुई है, तो साइन ऑफ n बीटा बाय 2 साइन ऑफ बीटा बाय 2 कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म plus last term by 2 minus sin of 5 pi by 11 अच्छा देख लेते हैं चलो sin of n pi n beta by 2 n number of terms है sin of 5 pi by 11 minus नहीं आ रहा देख लेते हैं yes. let's see sin of 5 pi by 11 by 2 yes. into 2 pi by 11 ठीक है ना sin of 5 by 2 into beta beta मतलब common difference 11 2 pi by 11 है वो ठीक है next अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 11 ठीक है ना इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो क्या जाएगा 10 पाई बाय 11 10 पाई बाय 11 सही है यस सर अपॉन 2 यस बिल्कुल एक और 2 भी आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 ठीक है ना तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो आप तो क्या बन रहा है आपके पास बताओ साइन ऑफ 5 पाई बाय 11 बन रहा है into cos of 5 pi by 11 upon sin pi by 11 upon sin pi by 11 upon sin of pi by 11 ठीक है ना अब मैं क्या करता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा sin of 10 pi by 11 हो जाएगा तो 0 हो जा रहा है मेरा तो अरे क्यों भैया देखो ना sin 10 pi by 11 हो गया अब sin 10 pi by 11 sin of pi by 11 लिखा जा सकता है क्यों sin of pi minus theta sin theta तो ये इससे कट जाएगा आंसर हाफ आ जाएगा लिख लो फटाफट सर क्या किया लास्ट टाइम गलती सर पर sin एक बार sin नेगेटिव भी तो माइनस भी तो करेंगे 2 sin cos में sin a plus b sin a में अभी 2 sin a cos a होता है sin 2a 2 sin a cos a होता है अरे हां sin 2a उधर लगता है तुमने लगता है तुमने 7-8 दिन से तुमने ट्रिगोन नहीं लिया है आपने नहीं सर लिया है रोज झूठ मत बोलो सर वो दिमाग में नहीं आया अरे सर सही में ड्रिल 9 तक हो गया है क्या बात कर
सीधा तब भी माइनस जीरो हो जाता, आता सेम ही। चलो ठीक है ना, फटाफट कर लिया आप लोगों ने, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट, अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को करने, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। खाली सर, चलो चलो कहाँ चलो, हसन तुम शानदार को मिस तो नहीं कर रहे सर, ज्यादा गया ही नहीं हो तो निकलने का भी नहीं घर से बाहर, सिर्फ आदम के घर तक होके आने का और बस, ज्यादा नहीं। सर यहाँ पे तो वहां तक बहुत ज्यादा है, चलो बहुत ज्यादा दूर है आदम, तुम दूर रहते हो। हाँ सर, अगर आदम के घर चले जाएगा तो शानदार फास्ट पड़ जाएगी। चलो फटाफट करो अभी जल्दी, देखो साइन ऑफ पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, थ्री पाई बाय एन, और ऐसे चलते हुए जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एन एन माइनस वन पाई बाय एन। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है पाई बाय एन का, और फर्स्ट टर्म कितना है, पाई बाय एन है, ये तो सीधा जीरो आ रहा है। साइन ऑफ एन बीटा बाय टू, एन पाई बाय टू एन, ठीक है ना, अपॉन साइन ऑफ एन प्लस पाई बाय टू एन इनटू साइन ऑफ फर्स्ट टर्म इज पाई बाय एन, और एन टर्म्स तक लिखा है, एन पाई एन माइनस वन पाई बाय एन, देखो वन पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, थ्री पाई बाय एन, तो एन पाई बाय एन मतलब साइन पाई हो जाएगा ना सर, यहाँ पे क्यों एन माइनस वन नहीं होगा, अरे कहीं से भी शुरू करो यार, एक ही बात है सर, पर मतलब लास्ट वो जब प्रूविंग टाइम एन माइनस वन लिया था यहाँ पे एन, क्योंकि बेटा वहाँ पे अल्फा प्लस था, आप अगर अल्फा पाई बाय एन लेते हो तो शुरू जीरो से हो रहा है, जीरो से एन माइनस वन तक है, समझ रहे हो ना, yes, तो फर्स्ट टर्म पाई बाय एन है, लास्ट टर्म पाई है, प्लस वन पाई बाय एन डिवाइड बाय टू, ठीक है ना, सही है, तो ये ऊपर वाला तो वन हो गया, नेक्स्ट नीचे वाला, अब ये वाला क्या होगा देखो, पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय टू एन, इज इट क्लियर, और नीचे साइन ऑफ पाई बाय टू एन है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, अरे टू को टू भी दे दो तो पाई बाय टू हो गया, और ये पाई बाय टू हो गया, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है सर, वो माइनस में होगा ना, माइनस माइनस होगा यार, क्यों माइनस होगा यार, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया मैंने अभी तक, हाँ सर साइन टेन पाई बाय टू एन कॉट कॉट, अरे कॉट, कॉट ऑफ पाई बाय टू एन, ठीक है, अब टू प्लस रूट थ्री कॉट की वैल्यू कब होती है, 15 पे होती है, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है ना, ध्यान से याद रखना 15 पे होती है सर, ठीक है ना, नहीं ठीक है याद, ठीक है हां सर, ये कैसे याद, अब पर इतनी छोटी वैल्यू होती है कॉट 15 की, ज्यादा है ना, छोटी का ज्यादा है ना भाई, ज्यादा है, खासी बड़ी होगी ना, क्योंकि 3.2 कुछ होगी, ठीक है ना, 2.6 बड़ी है ना, चलो नेक्स्ट आदम काम की बात है, कॉट 15 क्या लिखा जाता है, पाई बाय 12, तो एन का वैल्यू 6 ही है, देखो अच्छा, तुमको उतना भी पढ़ा दिया जाए ना, कितना भी पढ़ा दिया जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है ना सर, पर ये झपकेगा कैसे, ये 15 डिग्री पे, अरे तुमको निकलवाया ना भैया, ऑप्शन रहेंगे ना, 45 - 30, ये वैल्यू तो आपको देख के चमक जानी चाहिए ना, हाँ 2+√3 मैंने निकाला है कभी ना कभी, तो मैंने क्या क्या निकाला है लाइफ में, 18 निकाला है, 36 निकाला है, 15 निकाला है, और क्या निकाला, बस यही तो निकाला है हमने वैल्यूज सर, 7.5 भी निकाला है, ठीक है, 11.25 भी निकाला है, निकाला होगा 22.5 भी निकाला है, आसम कंट्रोल हो गया भाई, ये काफी फेमस है ध्यान रखना, ये काफी फेमस है ध्यान रखना, 2+√3 2 - √3 cot 75 होता है, ये सब याद रखना, ठीक है, अच्छा, जैसे साइन ऑफ 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2 याद ना रहे तो उस टाइम निकाल लेने का, ऑप्शन तो रहेंगे ही ना सर, कुछ भी होते हैं आगे, चलते
लेट्स टेक डाउन टू साइन कॉस को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं अगर साइन टू ए नहीं लिख अरे तो भी वही आएगा ना डिराइव वैसे तो किया था सर पर वो माइनस तो साइन जीरो हो जा रहा है नहीं होगा कॉस सर इसका पहले वाला क्वेश्चन लो एक बार बताता हूँ आपको मतलब फिर नींद नहीं आएगी सही है हाँ यस सर ठीक है सही है ना तो अब जीरो हो गया बिल्कुल ठीक है ना हाँ तो, हाँ, तो हो जाने दो ना जीरो क्या दिक्कत ठीक है ना अब तुमको नींद आ जाएगी ना हाँ सर अच्छे से अरे प्लस होता है सर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था अरे तुमको मैं यही पूछ रहा हूँ बार बार तुमने लास्ट 15 दिन में ट्रिको किया है हाँ सर सर आपको आज आप असाइनमेंट दो मैं अभी सबमिट कर दूंगा सर इसमें पहले ही साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे साइन थीटा बेटा है नहीं ना साइन स्क्वायर टू थीटा थीटा है सर टू थीटा थ्री थीटा ऐसे जा रहा है ना सिद्धू बहुत सिंपल है क्या करोगे बताओ टू से मल्टीप्लाई वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वन माइनस करेंगे तो होगा क्या कितनी बार वन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा एन टर्म्स है तो एन बार वन को घटाना पड़ेगा ना है ना सर फिर लास्ट में अरे या तो ऐसा कर लो ना तुम अरे छोड़ो ज्यादा अगर हाई जा रहा है ना मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल जा रहा है ठीक है इफ इट इज गोइंग टू हाई फॉर यू यू कैन डू इट लाइक दिस cos 2 थीटा इज 1 minus 2 sin square थीटा सो 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2 इज sin square थीटा ओके तो सबको रिप्लेस कर दो 1 minus cos 2 थीटा बाय 2 1 minus cos of 4 थीटा अपॉन 2 1 minus cos of 6 थीटा अपॉन 2 सही है ना कर लोगे ना जाते तो 1/2 कितनी बार आएगा n बार बाहर आ जाएगा तो n/2 बाहर आ जाएगा -1/2 कॉमन cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा हां चलता हो जाएगा कर लोगे ना लास्ट वाला cos ऑफ 2n थीटा तो इसका फार्मूला क्या होता है देखो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 थीटा है सर 1/2 कॉमन निकलेगा कि 1/2 की बार n कॉमन निकलेगा ये एडिशन में है यार कैसे किया नहीं समझ आया अरे 1/2 n टाइम्स क्या होगा n बाई टू ही तो सर पर हम सीधा ही cos 2 थीटा cos 4 थीटा वो करे तो 1-2n आएगा ना बाहर बेटा यही आएगा तुम कुछ भी कर लो ना सॉरी तुम पाइथागोरस थ्योरम कैसे भी लिखो पाइथागोरस तो पाइथागोरस ही रहता है अरे सॉरी सर ठीक है अब देख लो ठीक है ना तो फर्स्ट तो यहाँ पे क्या जाएगा n by 2 minus 1 by 2 cos 2 theta cos 4 theta cos 6 theta से लेके cos of 2n theta आ गया तो इसको मैं क्या बोलता हूँ sin of n beta ap ओ हेलो n terms है आपके पास n बीटा बाई टू बीटा क्या है टू थीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू तो साइन थीटा कॉस ऑफ साइन एन थीटा प्लस टू एन थीटा सर ये सब एडिशन में थे सर इसीलिए तो मैं पूछ रहा था नेक्स्ट क्लास कौन सा तुम भी वही बता रहे थे एडिशन में फिजिक्स चाय पी लेना तुम हसन चाय मैं तो ही बोल रहा हूं हां सिद्धार्थ इसके लिए भी चेक करो सेटिंग sin थीटा cos ऑफ तुम लोग इतनी बातें करते हो बेचारे किसी को समझने नहीं देते तुम ठीक है ना चलो ठीक है किसी को डाउट है तो फील फ्री टू आस्क किसी को रोका ठीक है ना
सर टू कहाँ गया? अच्छा काट दिया, ओके भैया आप कर लो ना, तुम कर लो कुछ, ठीक है ना, ये वैल्यू व्हाइट वाली इसके अंदर डाल दें आप, ठीक है ना, ओके सर तो बस इतना आ गया, फिर क्या करें? अच्छा, बस, बस 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 नहीं, बाकी तुम कुछ भी मत करो, आराम से इसके बाद तुम यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है ना, ये काफी तुमने काम कर लिया है सर, तो ऑप्शन ऐसा आएगा, हाँ क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया ना, ऑप्शन ऐसा ही है चाइनीज में, अबे तुम सिंपलीफाई करना सीख जाओ, ठीक है ना, इसके बाद बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन में और चेंजेस करने के लिए कुछ कर सकते हैं, बट सिंपलीफाइड फॉर्म में तो आना चाहिए ना आपको, ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो, अभी क्वेश्चन को फटाफट अपन ग्लांस करने वाले हैं, ठीक है ना, ये तो सिमिलर से हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास भी शुरू हो गया ना, ठीक है अभी चलो, ये होमवर्क, हाँ लिख लो होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो, चाहिए तो 4-3 वाले फॉर्मूला से कर सकते, बिल्कुल 43 नंबर के बस में आएगा कॉस, है ना, वैसे वो साइन क्यूब का भी करना पड़ेगा, अच्छा सॉल्व कर, दो सीरीज बन जाएगी आपके पास, सिर्फ सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन और सुनो, दो सीरीज बनेगी कॉस की, कॉस 3 थीटा वाली बनेगी और कॉस थीटा वाली, ठीक है ना, सही है, हां यस सर, हो जाएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारी फिजिक्स की क्लास है अभी, ये होमवर्क में लिख लो बेटा, लिख लो होमवर्क में, ठीक है ना, तो क्या है तुम फिर, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं तुम कर लेना, लीव लीव, सिर्फ एन को इवन या ऑड कंसीडर करके फिर दो केस बनाने पड़ेंगे, अच्छा हाँ, और अल्टरनेट जल्दी जल्दी लिखो, चलो इसको कैसे सोचेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट तब पर वो ऐसे ही होगा ना कि एन को कंसीडर करेंगे इवन या ऑड, चलो इधर अपन कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको फिनिश करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे और ट्रिक्स भी हैं बतानी है जो मुझे, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, हाँ सर आज का टेस्ट इजी है, आज का टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा 15 मार्क्स का ही होगा,